Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Sanu Thakur and I'm back with another video. I know it's been ages since I've made any video related to nursing. Due to some personal reasons, I didn't want to make one and continue with that. However, universe has different plans for me every time. So I took that as a sign and here we are. Recently, one of my reels blew up. It hit it more than 250k plus views on Instagram and my DM is full with all these beautiful questions related to nursing in UK, how to be a nurse in UK and all that stuff. तो सारे डीएम को लाइक रिप्लाई करना थोड़ा सा वो हो जाता है, लाइक मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डीएम्स को रिप्लाई करूँ. एंड जितने भी डीएम को मैंने रिप्लाई किया, जितने भी लोगों को लाइक डीएम इन द सेंस जितने भी मैसेजेस को मैंने रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे, सबका कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे. तो मैंने सोचा क्यों ना उसको एक वीडियो के थ्रू मैं उस चीज़ को आंसर करूँ, ताकि सबके क्वेश्चंस आंसर हो जाए. और अगर किसी के क्वेश्चंस इसके बाद रह भी जाते तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आप कि आपको किस किस चीज़ के बारे में और जानना है, तो हम उसके बारे में भी अपने चैनल पर बात करेंगे. एंड अब नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी, especially being a nurse in UK, and overall we are going to talk a lot about nursing on my channel, so stay tuned. So without doing further ado, let's get started. So, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, एक एक स्टेप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो. करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से. कुछ भी ऐसा हाई प्रोफाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बहुत आसान है. आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो, आप बिहार में रजिस्टर्ड हो या फिर आप हरियाणा में रजिस्टर्ड हो. आपके पास आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए और INC से लाइक वेरीफाइड होना चाहिए. ऑब्वियसली आपका एक्रीडिएशन वगैरह होते हैं वो सब कुछ होना चाहिए. उसके बाद अगर आप GNM कर रखा है, हाँ आप तब भी अप्लाई कर सकते हो UK में. आपके पास GNM के साथ साथ 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और अगर आपने पोस्ट बेसिक कर रखा है तब भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप UK में अप्लाई करना चाहते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की. तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें कितना लाइक क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए. तो 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलता है. 0 से मींस कि ये लोग फ्रेशर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं. और अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है और एज सच आपने भी कोई एक्सपीरियंस नहीं ले रखा, तब भी आप UK में अप्लाई कर सकते हो. कुछ कुछ ट्रस्ट फ्रेशर्स को कंसीडर करते, कुछ ट्रस्ट नहीं करते. जिस ट्रस्ट में मैं आई हूँ, काम कर रही हूँ, उसमें 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए था. तो मैं 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद लिया. एंड वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से था, 150 बेड प्लस हॉस्पिटल से लाइक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. हाई प्रोफाइल फैंसी हॉस्पिटल होगा तो आपको कुछ ज़्यादा कंसीडरेशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कुछ उसमें जॉली पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं. सारा लाइक यहाँ पे 6 मंथ्स इज नथिंग गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट इज स्टिल काउंटेड एज फ्रेशर. तो अगर आपके पास 0 भी एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास 6 मंथ्स भी है, विच इज फाइन, तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे. आपके पास अगर उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी के पास 8 साल का है, किसी के पास 9 साल का है, 4 साल का है, तो वो 50% ही काउंट होता है यहाँ पे. ये मेरे को यहीं आके पता चला था. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ वालों के पास बहुत बहुत एक्सपीरियंस था, कोई 8-8 साल का एक्सपीरियंस लेके आया था, तो वो यहाँ पे 50%, दैट मीन्स कि 4 साल ही काउंट होगा. 8 साल है तो 4 साल ही काउंट होगा. उसी के हिसाब से आपका सैलरी ग्रेड मिलता है. तो सबकी सैलरी पे डिफरेंट थी. उसके बाद मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बीएससी नर्सिंग में कितने परसेंटेज होने चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है. मिनिमम आई वुड से 50% ऑब्वियसली, विच इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट. और इतने आई थिंक सबके आते ही है, इतने तो मार्क्स आराम से आ जाते हैं, 50% किसके नहीं होंगे. तो ये बिल्कुल बेसिक मिनिमम मैंने आपको बताया है. तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर आप ये सारा टिक ऑन करते हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अप्लाई कर. सेकेंड हम स्टेप्स के बारे में चलते हैं कि अब अप्लाई कैसे करना है. सबसे पहला स्टेप आता है लैंग्वेज टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इनका बोलने का कल्चर और इनकी जो इंग्लिश की जो एक्सेंट है, जो भाषा है, वो थोड़ी सी अलग है. तो इसलिए हमें लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए. तो OET भी दे सकते हो आप, IELTS भी दे सकते हो. माई पर्सनल प्रेफरेंस इज OET, क्योंकि IELTS थोड़ा वाइडर लेवल पे आ जाता है एंड OET बहुत लाइक मेडिकल रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आती हैं, विच इज मोर फेवरेबल फॉर नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, जो भी अप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली यहाँ पे. तो OET इज लिटिल बिट लाइक, ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता है जब आप उसको प्रिपेयर करो, उसके प्रेशर में होते हो, वो क्वालिफाई होने के बाद इजी लगता है. बट नेचुरली भी आई वुड से
कि OET में जो भी टर्मिनोलॉजीज और जो भी आपको सॉल्व करने के लिए टेस्ट आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही मेडिकल रिलेटेड लैंग्वेज होती है, विच मेक्स इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दोज क्वेश्चन इन वेरी प्रेशरफुल सिचुएशन. सो आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड OET ओवर IELTS. कमिंग ऑन टू द पॉइंट कि OET में आपको कितना स्कोर चाहिए होता है UK में अप्लाई करने के लिए, तो आपको रीडिंग में बी ग्रेड चाहिए होती है, राइटिंग में C+ चलता है, स्पीकिंग और लिसनिंग में दोनों में बी ग्रेड्स चाहिए होती है. आराम से स्कोर कर सकते हो. अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो आप तब भी OET क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तब भी आप OET क्वालिफाई कर सकते हो. फिर उसके बाद स्टेप आता है मेरे ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चले तो मेरा OET का रिजल्ट भेजा और हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया था. नॉर्मली NMC का रजिस्ट्रेशन करते हैं लोग CBT क्वालिफाई करने के बाद होता है कुछ का इंटरव्यू, कुछ का उससे पहले हो जाता है. वी वर द लकी वंस, हमारा इंटरव्यू NMC रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही हो गया था. एंड आपको कुछ ही 5 to 7 वर्किंग डेज में उसका रिप्लाई आ जाता है. मेरा 48 आवर्स में रिप्लाई आ गया था कि इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया है. इंटरव्यू में अब वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उसके बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे ताकि वो ज्यादा हेल्पफुल हो और ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है फिर आप करते हो NMC रजिस्ट्रेशन. और अगर आपने इंटरव्यू नहीं भी दिया है तो कुछ NMC CBT के बाद भी हो सकता है आपका इंटरव्यू. तो सेकंड स्टेप कंसीडर कर लो इसको. सेकंड स्टेप होता है आपका NMC में रजिस्ट्रेशन करना. NMC नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल ऑफ UK है और इसमें आप अपनी ID पासवर्ड बनाओगे. एंड मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना ID पासवर्ड प्लीज़ याद रखना. आप जितने दम तक यहाँ UK में रहोगे उतना ही आपका वो ID पासवर्ड मैटर करता है आपका NMC लॉग इन करने के लिए बार बार. तो NMC का ID पासवर्ड जब क्रिएट करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं. और इसमें भी मैं सजेशन दूँ कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू आ रहे हो या कोई पहले आ चुका है तो एक बारी पूछ लेना उससे, पूछ के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना. आपकी डिग्री अपलोड होती है, रिजल्ट OET का, डिग्री, पासपोर्ट, बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं. और ये अपलोड होने के बाद वो ग्रीन ऐसा साइन होता है जब आप अपना NMC लॉग इन करोगे तो वो ग्रीन पूरा फिल हो जाता है, टिक हो जाता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स NMC अप्रूव कर देता है. फिर उसके बाद आता है NMC 3 स्टेजेस में होता है. 2 स्टेजेस आपके इंडिया में ही कंप्लीट हो जाते हैं, तीसरा आपका UK आने के बाद होता है. इसी की फीस बता दूं मैं, कुछ 130 pounds से 140 pounds के बीच में होती, मेरे टाइम पे इतनी ही गई थी. एंड अब बढ़ गई है, कम हो गई है, आप रिसेंट गूगल कर सकते हो. मैंने जब अभी सर्च किया था तो वो इतनी ही शो हो रही थी. जब आप पे करने जाते हो अपने क्रेडिट कार्ड से पे होती है इसकी फीस, तो वो अपने आप नेचुरली शो हो जाता है. कुछ टैक्सेस भी कटते हैं क्योंकि वो पाउंड्स में का जो डिडक्शन है वो इंडियन करेंसी में कितना घूम फिर के पड़ता है वो उसी हिसाब से आप देख सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है. फर्स्ट स्टेप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं जो जो उनको चाहिए होते. बेसिकली यहाँ पे सारा सबसे ज्यादा पासपोर्ट मैटर करता है, आपका OET रिजल्ट मैटर करता है, और आपकी डिग्री मैटर करती है, और आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मैटर करता है. फिर अगर आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में आपका CBT होता है. आप पियर्सन की वेबसाइट के थ्रू CBT बुक करोगे. CBT आप कोई भी नियर बाई सेंटर्स में बुक कर सकते हो. इसकी फीस होती है 7,500 से 8,000 के बीच में होती है. मेरी आई थिंक 7,700 फीस गई थी उस टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था. CBT बेसिकली 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट 1 पार्ट 2. 3 घंटे का एग्जाम होता है एंड पार्ट 1 में न्यूमेरिकल्स होते हैं, पार्ट 2 में थ्योरी बेस्ड होता है. आपको दोनों पार्ट्स में सेपरेटली पास होना है. और CBT कैसे क्वालिफाई करना है कितना डिटेल में मैंने इसके बारे में अपने चैनल पे बात कर रखी है. फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको CBT से रिलेटेड और क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे को कॉमेंट्स में बताना, मैं जरूर आंसर करूँगा. जब आप क्वालिफाई कर लेते हो आपको आपका रिजल्ट तुरंत निकल जाता मिल जाता है. जब आप बाहर आते हो CBT देके तो आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाता है. 3 घंटे का एग्जाम है विच इज मोर देन इनफ. पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये एंड एक बार सबमिट कर देते हो तो आई थिंक एडिट पीछे जाके कर सकते हो, पीछे क्वेश्चन घूम फिर के. मैं तो 3-4 बार देखे थे अपने क्वेश्चन, मेरे को अपने पैसे पानी में नहीं डुबोने थे. एंड आई हैव क्रैक्ड एवरी सिंगल एग्जाम इन माई फर्स्ट गो एक्सेप्ट फॉर द OSCE विच इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम. हम इसके बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे. और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, आप वो रिजल्ट NMC की वेबसाइट पे अपलोड करते हो. और अगर आप कोई भी काम फ्राइडे को कर रहे हो तो एक्सपेक्ट करके चलो कि उसका मोस्ट प्रोबेबली उसका रिप्लाई, उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर ना आपको मंडे को ही मिलने वाला है. यहाँ पे वीकेंड बहुत एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं ये लोग. तो अगर आप फ्राइडे को कुछ अपलोड कर रहे हो, सैटरडे संडे सैडनेस में गुजार रहे हो
हो कि अरे रिप्लाई नहीं आया, ग्रीन टिक नहीं हुआ हमारी NMC की वेबसाइट पे, कोई फ़ायदा नहीं है. मंडे टू जब आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो आपको सारे रिप्लाई आ जाने. वीकेंड इज़ अ फेस्टिवल हेयर इन UK. अपलोड हो गया उसके बाद आपके पास मेल आता है NMC से, वो कहते हैं आपको मेडिकल वेरीफिकेशन करना है, हेल्थ वेरीफिकेशन करना है. बेसिकली हेल्थ में आपका कोई भी डॉक्टर है, लाइक अगर आपका फैमिली डॉक्टर है विच इज़ लाइक रियली ग्रेट, अगर नहीं भी है तो कोई लाइक जान पहचान का तो सबके डॉक्टर्स होते हैं, और जीमेल ID, फ़ोन नंबर आप अपलोड करोगे तो वो जो डॉक्टर की जीमेल ID होगी उस पे NMC वाले मेल भेजते हैं. वो क्लिक करेंगे उस लिंक को, ओपन हो जाता है एक पूरा फॉर्म, उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स होती हैं. उससे बेसिकली वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू आर फिट एंड फाइन टू वर्क इन UK, लाइक आपको कोई इश्यूज तो नहीं है, और अगर कोई इश्यूज हैं आप छुपा तो नहीं रहे हो, तो आई थिंक ये तो आराम से हो जाता है, विच इज़ वेरी इजी स्टेप. बट अगर आप उसके जिस किसी थ्रू भी आप वेरीफाई करा रहे हो, पास में रहते हो, तो सारी डिटेल्स अच्छे से उनके पास बैठ के भरवाना. बेसिकली वो उनका आई थिंक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मांगते हैं, मेरे को जितना ही याद है, जिस हद तक याद है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं डॉक्टर्स का, जो भी होता होगा जैसे हम लोगों का होता है. एंड फिर उसके बाद जब रिप्लाई चला जाता है तो फिर NMC का ऐसा शो हो रहा होता है ग्रीन कलर का, अगर सारा ग्रीन हो जाता है फिर CVT वाला आपका सेकेंड स्टेज वेरीफिकेशन भी ग्रीन लिख के आता है, एंड ग्रीन सिग्नल बन के आता है दैट इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड. तो जब आपका ये सारा हो जाता है तो क्या, अगर आप किसी और ट्रस्ट में जा रहे हो तो वो CVT के बाद, सेकेंड स्टेज ऑफ NMC के बाद बेसिकली आपका इंटरव्यू लेते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू मेरी तरह पहले हो जाता है विच इज़ रियली ग्रेट, वो भी लॉगिन ID का पासवर्ड है वो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने ट्रस्ट को भेजते हो, जो भी ट्रस्ट या फिर अपने एजेंट को भेजते हो जो भी आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं. मेरे केस में ऐसा था, मेरा एजेंट भी लाइक मेरे को गाइड कर रहा था, बट मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में थी UK से, जो भी जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा था, जो भी स्पेशल अथॉरिटी थी, तो उस उनने मेरे को पूरी लिस्ट भेज रखी थी दैट वी नीड दीज डॉक्यूमेंट्स, और आप ये जब पूरा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लोगे देन जस्ट लेट अस नो. तो फिर जब मेरा ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई थी सेकेंड स्टेज तक, और उसके बाद उन लोगों को मैंने मेल किया, फिर उनने आगे के डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए. तो जिसमें होता है आपका PCC, आप PCC गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके अप्लाई करते हो. अगर आपका पासपोर्ट दिल्ली का है तो PCC आप दिल्ली में अप्लाई करोगे, आप वहाँ पे जाओगे एंड अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करके आओगे, पासपोर्ट ऑफिस में थोड़ा बहुत काम होता है, उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर आपके घर आता है चीज़ें वेरीफाई करने के लिए, एंड फिर आपका PCC आ जाता है. PCC आपके पास रहेगा, आप वो भी फिर भेजोगे. सेकेंड उसके बाद आता है फोर्थ फिफ्थ स्टेप कंसिडर कर सकते हो आप, मैं स्टेप की काउंटिंग ही भूल गई. आपका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है, बेसिकली चेस्ट एक्सरे अपलोड होते हैं इफ़ यू हैव नो हिस्ट्री ऑफ TB. अगर आप लाइक फुल्ली फिट एंड फाइन हो, आपका चेस्ट एक्सरे एक अपलोड होता है, चेस्ट एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है, इंप्रेशन बेसिकली जो चेस्ट एक्सरे का लिखा होता है, तो वो अपलोड होता है. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फुलफ़िल हो जाते हैं जब आपके पास ये सारा, आपने OET का रिजल्ट हो गया, NMC का फर्स्ट स्टेज हो गया, NMC का सेकेंड स्टेज हो गया, आपका PCC हो गया, आपका चेस्ट एक्सरे हो गया. ये सारी चीज़ें जब आप पूरी कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब अपने एजेंट को भेजोगे, या आप सकते हो, मैंने डायरेक्टली भेज दिए थे, बेसिकली मेरे एजेंट ने मेरी जीमेल आईडी शेयर कर दी थी यहाँ ट्रस्ट की जो अथॉरिटी थी, तो मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी इंटरनेशनल टीम के, तो मैंने सारी चीज़ें भेज दी. उसके बाद उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भेजा, जिसके बेसिस पे लाइक COS, जिसके बेसिस पे आप आगे अपना वीज़ा अप्लाई करोगे. तो COS में आपकी डेट लिखी होती है, विद इन दैट डेफिनेट डेट, 2 मंथ्स का बेसिकली टाइम होता है, उस 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है. तो ऑब्वियसली हम 2 मंथ्स से पहले ही कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक्साइटमेंट इतनी होती है, जाने की इतनी जल्दी होती है, तो सारे पहले ही अप्लाई कर देते, 2 मंथ्स का वेट कौन करेगा. तो आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, कुछ ट्रस्ट आपकी वीज़ा की फ़ीस वो लोग सबमिट करते हैं वीज़ा का लॉगिन पासवर्ड मांग के, और कुछ ट्रस्ट आपको ही आपको कहेंगे करने के लिए, मे बी वो बाद में रिफ़ंड करें. मेरे ट्रस्ट ने मेरी फ़ीस पे कर दी थी वीज़ा की, एंड उसके बाद मैं VFS सेंटर गई, मैंने अपने COS और सारे डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट वगैरह सब लेके गई थी, वीज़ा अप्लाई किया, विद इन 15 डेज मेरा वीज़ा आ गया था, एंड विच इज़ अ नाइस फीलिंग टू से दैट मेरा वीज़ा आ गया था. एंड आप जब वीज़ा वगैरह अप्लाई कर देते हो, कुछ ट्रस्ट आपका टिकट भी बुक करके देते हैं, विच इज़ अनदर पर्क. मेरा टिकट मेरे ट्रस्ट ने बुक करके दिया था,
and I still remember that feeling, and I feel nostalgic because it is like somehow emotional as well. क्योंकि जितना इजीली मैं इस प्रोसेस को बता रही हूँ, आप जब करते हो ना इंडिविजुअली, तो मतलब बड़ा लाइक आपका मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत टोल आता है. प्रेशर में चीज़ें हो रही होती हैं, ऑब्वियसली सब अपना करियर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. उसके बाद जब आप अपनी फ्लाइट में बैठ के यहाँ आ जाते हो, आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऑस्की का, जो ये लोग ऑलरेडी बुक करके रखते हैं. एंड ऑस्की की फ़ीस भी ट्रस्ट खुद ही पे करता है, एंड उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस सेंटर में आपका ऑस्की बुक हो गया है. तो आते ही आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेनी कि मुझे लेने कौन आएगा, लाइक मैं कहाँ उतरूँगी, कैसे क्या. ऑलरेडी आपका ट्रस्ट ना एक ग्रुप बना लेता है व्हाट्सएप पे. उस ग्रुप में सब लोग होते हैं, वो जो फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 लोग हैं, 5 लोग इंडिया से आ रहे हैं, तो वो 5 लोग उस ग्रुप में होंगे. तो वो टेक्स्ट चलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ. तो आप जब हीथ्रो, लंदन हीथ्रो उतरोगे, जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ उतर के आपके ऑलरेडी ट्रस्ट की जो बस होती है वो आपका वेट कर रही होती है. एंड वो इंटरनेशनल टीम के मेंबर आपको लेने आ रखे होते हैं. जब सारे लोग आ जाते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, अच्छा ठीक है ये बंदे आ गए, कोई छूटा तो नहीं है, फिर आप उस बस के थ्रू अपनी अकोमोडेशन में आते हो. वो अकोमोडेशन भी ट्रस्ट प्रोवाइड करता है आपका, कि कोई कोई 1 मंथ के लिए करता है, कोई कोई 2 मंथ के लिए करता है, तो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं वो 3 मंथ्स के लिए कर देते हैं. मेरी अकोमोडेशन 2 मंथ्स के लिए थी. 1 वीक की इन लोगों ने मेरे को ग्रॉसरीज भी दी थी, उसमें सब कुछ था, जूस, एग, नमक, दाल, लाइक इंडियन ग्रॉसरीज भी थी गाइज, विच इज़ रियली रियली काइंड. एंड आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन माई YouTube एज वेल, माई रूम टूर इन NHS UK, ऐसे करके मैं मेरे को कैसी अकोमोडेशन मिली थी NHS में, लाइक UK में. तो वो 2 मंथ्स के लिए थी. उसके बाद आपका इंडक्शन होता है, उसमें आपको बस पास मिलता है. मेरे ट्रस्ट ने मेरे को 1 वीक के लिए बस पास दिया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था. एंड मेरे को पूरा इंडक्शन मिला था, जगह का, घूमने का, लाइक ये LD है, सारे स्टोर्स का. मेरे ट्रस्ट ने बहुत अच्छा इंडक्शन दिया था, सारी प्लेसेस दिखाई थी, मॉल कौन सा है यहाँ पे, कौन सी जगह से आपको कौन सी चीज़ लेनी है. एशियन स्टोर्स भी दिखाए थे कि अगर आप इंटरनेशनल, ऑब्वियसली इंटरनेशनल नर्सेज को, कि ये साल लाइक ये अफ्रीकन नर्सेज के लिए ये स्टोर है, आपको यहाँ पे अपनी ग्रॉसरीज मिल सकती है. इंडियंस के लिए ये स्टोर है, यहाँ पे ग्रॉसरीज मिल सकती हैं. और हमारा बैंक अकाउंट, जो भी बेसिक काम होते हैं ना आपके, वो आपकी इंटरनेशनल ड्रीम आप उन 2 वीक्स में आराम से करके करवा के देती है सारी चीज़ें. तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, ये वो सो कैसे करना है. वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपकी सारी चीज़ें. बस शुरू में थोड़ा एक्सेंट समझने में किसी किसी को प्रॉब्लम आती, लाइक सबको, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को तो आई थी. मेरे को इनका एक्सेंट समझने में थोड़ा टाइम लगा, 2-3 महीने लगेंगे आपको भी, अगर आप इतने ज़्यादा लाइक ब्रिटिश एक्सेंट बड़ा डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज एक्सेंट. सो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था समझने में. तो आप आराम से सारी चीज़ें करते हो, एंड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. घर की बहुत याद आएगी ऑब्वियसली, मेरे को तो बहुत है, इनफैक्ट अभी तक आती है. एंड सारी चीज़ों में आपकी हेल्प हो जाएगी. उसके बाद 2 वीक्स का इंडक्शन होता है, कोई कोई 1 वीक का लेता है. जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी थोड़ी क्लिनिकल ड्यूटीज स्टार्ट करोगे. वहाँ पे आप एज अ Band 4 नर्स लैंड करते हो UK में. तो आप Band 4 नर्स में सुपर न्यूमरी होते हो, बेसिकली आपके साथ एक नर्स होगी. आप Band 4 नर्स होते हो, आपको कुछ भी इतना काम करने की टेंशन लेनी नहीं है. आप कोई भी काम, लाइक मेडिकेशन हो गया, कुछ भी टाइप की केयर हो गई, वो सब कुछ आप अपना पिन आने के बाद ही करोगे. तो कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं लेनी. हाँ, काम ज़रूर सीखना है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी. जितना काम आप एज अ Band 4 नर्स सीख सकते हो, उसको उसी टाइम पे सीखो. उस टाइम पे सब आराम से सिखाएंगे. इनफैक्ट अगर आपको बाद में भी कुछ नहीं आता तो आप आराम से सीख सकते हो. यहाँ कोई सच आपको जज करने वाला नहीं है, इतना कोई आपको परेशान नहीं करेगा. अगर नहीं आता तो नहीं आता, और इट्स एब्सोल्युटली फाइन इन हेयर. इट्स नॉट लाइक इंडियन हॉस्पिटल्स, जो स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दोज वर लाइक द मोस्ट टॉक्सिक हॉस्पिटल्स आई हैव एवर वर्कड. एक ही हॉस्पिटल में काम किया, मेरा दिल भर गया था वहाँ काम कर. जब आप सुपर न्यूमरी पीरियड में जब आप अपना काम वाम कर रहे होते, बीच में ही आपकी ऑस्की की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. उसमें आपको 2 वीक्स के लिए ऑस्की की क्लासेस मिलती हैं. आपको ऑस्की कैसे क्लियर करना है, कितने स्टेशन होते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं, सारी स्किल्स सिखाएंगे आपको. एंड उसके बाद आप अपना एग्जाम देने जाओगे. जब आपका ऑस्की क्लियर हो जाएगा तो उसके विद इन 1 मंथ आपका पिन आ जाता है. 1 महीने बाद भी पिन आ जाता है.
जाता है, और फिर आपका जो थर्ड स्टेज का वेरिफिकेशन है वो भी ग्रीन हो जाता है, टिक हो जाता है, एंड हर ईयर आपको अपना बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स का जो पिन है वो हर ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ता है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो, बट यू विल बी वर्किंग एज अ परसेप्टर, लाइक एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड परसेप्टर नर्स. परसेप्टरशिप मतलब कि 1 ईयर तक आप लाइक सीखने वाले पीरियड में होंगे, फैंसी वर्ड है वो उसका, एंड 1 ईयर के बाद जब आप अपनी कॉम्पिटेंसीज अचीव कर लेते हो, छोटी मोटी कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो आपको विद इन 1 ईयर का टाइम मिलता है अचीव करने का, इवन आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, वो कुछ प्रेशर नहीं होता गाइस, आप आराम से कर सकते हो. मेरी परसेप्टरशिप अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मेरे को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, एंड यही होता है लाइक पूरा प्रोसीजर बैंड 5 लाइक रजिस्टर्ड नर्स बनने का यूके में. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है. अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ पॉइंट मिस हो गया है और आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नर्सिंग लाइक यूके में नर्सिंग से रिलेटेड आप क्या क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो. ऑब्वियसली आई नो देयर आर क्वेश्चन रिलेटेड टू सैलरी, रिलेटेड टू ऑस्की, एंड रिलेटेड टू ऑल अदर थिंग्स कि मैं कैसे अपने पर्सनल खर्चे वगैरह सब मैनेज करती हूँ, तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. एंड देर इज़ अ लाइक मोस्ट आस्क क्वेश्चन इन माई DM इज नॉर्थ सेट वर्सेज OET, विच इज़ बेटर ऑप्शन, और कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है, तो मैं इसको ज़रूर कवर करना चाहती हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, तो हम इसको ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि लाइक लोगों को पसंद आई ये वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई एम ऑलवेज अप फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सो प्लीज़ डू शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और CBT से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखना मेरे चैनल पे है, एंड मेरा रूम टूर ज़रूर देखना वो भी मेरे चैनल पे, और बाकी प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा. अगर आपको कुछ भी लगता है मैंने मिस किया है तो प्लीज़ बताना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी. Thank you for watching my video guys, and bye, see you in another one super soon, bye.